हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रहा हूँ बोगमालो से सालोलिम डैम। सालोलिम डैम अभी काफ़ी अच्छा हुआ है देखने के लिए मानसून की वजह से। तो अभी चलते यहाँ से अराउंड 54 किलोमीटर्स है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी। और आज का ट्रिप जो है सोलो होने वाला है, क्योंकि कोई भी फ्रेंड अभी अवेलेबल है नहीं। तो चलिए मिलते आगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने डबलिम जंक्शन क्रॉस किया है और मैं रूट जो फॉलो कर रहा हूँ, वरना का रूट फॉलो कर रहा हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो विशाल मेगा मार्ट है। तो ट्रैफिक तो आज काफ़ी रहेगा, लेकिन फिर भी चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर्स बचा है और मैं अभी यहाँ पे रुका था रास्ते में थोड़ा फ्रेश होने के लिए। यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है। तो ये जो रास्ता जा रहा है मठगाँव वाला रोड है, यहाँ से हमें स्ट्रेट ही जाना है। और ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर्स यहाँ से बचा है सालोलिम डैम। और ये आप सामने देख सकते हो येलो कलर की जो बिल्डिंग है, ये है सुपर मार्केट यहाँ का। और ये आ रही है गोवा की बस। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो कभी भी यहाँ के पे आके आप टैक्सी हायर मत करना। उससे बेटर है कि आप बाइक या स्कूटी रेंट पे ले लो। और अगर आप फैमिली के साथ हो, तो आप कार जो है सेल्फ ड्राइव पे ले सकते हो। वो आपको ऑलमोस्ट 1000 to 1200 rupees में पड़ जाएगी। और स्कूटी और बाइक का यहाँ पे चार्जेज है ऑलमोस्ट 350 to 450 के अराउंड आपको मिल जाती है पर डे के लिए। तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टैक्सी वाले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोवा इतना डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ओला कैब्स वगैरह या यूबर की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो बेटर रहेगा आप सेल्फ ड्राइव करें या फिर टू व्हीलर का यूज़ करें, जो कि ईज़िली आपको अवेलेबल है। एयरपोर्ट से और वास्को से भी मिल जाता है। बाकी आप गोवा के किसी भी पार्ट में जाओ, तो वहाँ पर आपको रेंट पर ईज़िली मिल जाएंगे। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रुका था सुसु ब्रेक के लिए। और पीछे का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही मस्त है। और साथ में हल्के हल्के बारिश हो रही है। गोवा में यही प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पे बारिश होती है, एक साथ में सब जगह बारिश नहीं होती है। पीछे का व्यू मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी 30 किलोमीटर्स बाकी है, थोड़ा स्पीड पकड़े क्योंकि बारिश अभी बंद हो गई है, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्रेक लेने पड़ा है क्योंकि बारिश लगी है काफ़ी ज़्यादा। और रेनकोट तो हमने कैरी नहीं किया, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर बाकी रह गया। Thank you.
फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं अपना टूर ख़त्म कर रहा हूँ, आप यहाँ से वापसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय द वीडियो।